जी तो स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप जो हम स्टडी कर रहे थे, तो आज हम अपने थर्ड पार्ट में और मज़ीद पार्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे जो माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं। तो नंबर फिफ्थ, बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या है स्टूडेंट? द माइक्रोस्कोप बॉडी ट्यूब सेपरेट द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस एंड एश्योर कंटिन्यूस अलाइनमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स। It is a standardized length anthropometrically related to the distance between the height of a bench or table top on which microscope stand and the position of the seated observer. तो स्टूडेंट, जो आई पीस के नीचे वाला जो माइक्रोस्कोप का पोर्शन होता है, जो हिस्सा होता है, और ये एक ट्यूब लाइक ये पार्ट होता है, इसको हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। तो ये जो बॉडी ट्यूब होती है स्टूडेंट, ये आई पीस और ऑब्जेक्टिव को एक दूसरे से सेपरेट करती है, जिसकी बदौलत ये सेपरेट होते हैं। इसके अलावा आई पीस और ऑब्जेक्टिव इन्हीं की बदौलत एक रॉय एक लाइन में अरेंज हो पाते हैं, और इसका जो हर माइक्रोस्कोप में एक स्टैंडर्ड या एवरेज लेंथ होती है बॉडी ट्यूब की। इसकी वजह से कोई भी नॉर्मल पर्सन एक टेबल या बेंच पर इसको रखकर इजीली माइक्रोस्कोप को यूज कर सकता है। जी तो स्टूडेंट, नाउ द टर्न ऑफ नंबर सिक्स पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिवॉल्विंग नोज पीस इज द वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। द रिवॉल्विंग नोज पीस इज द इंक्लाइंड सर्कुलर मेटल प्लेट टू विच द ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूजली 4 to 5 आर अटैच। द मेन पर्पज ऑफ रिवॉल्विंग नोज पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप इज टू इजिली एंड सिस्टमैटिकली इंटरचेंज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। द ऑब्जेक्टिव लेंसेज कम इन इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशंस एंड डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोस्कोप द नोज पीस कैन होल्ड एनी वेयर फ्रॉम 3 to 5 ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तो स्टूडेंट जो नोज रिवॉल्विंग नोज पीस जो माइक्रोस्कोप का पार्ट है, ये स्टूडेंट एक इंक्लाइंट या ढलवान जिसे कह दें, एक गोल घूमने वाली डिस्क होती है, एक प्लेट, मेटल की एक प्लेट होती है, और आमतौर पर ये स्टूडेंट 3 to 5 जो है वो लेंसेस इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है वो अटैच होते हैं। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है, जैसे कि एक कुछ ऑब्जेक्टिव लेंस 5x का होता है, एक 10x, 40 या 50x और 100x जिसे ऑल इमर्जन लेंस कहा जाता है। तो इतनी पावर के ऑब्जेक्टिव लेंसेस इसके साथ, इस प्लेट के साथ अटैच होते हैं, जो रिवॉल्विंग नोज पीस को जो है वो रोटेट करने से ये ऑब्जेक्टिव लेंसेस भी रोटेट होते हैं। अच्छा, ये प्लेट जो है स्टूडेंट, ये रोटेट कर सकती है, गोल रिवॉल्व कर सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव लेंस भी, मैंने आपसे आपको बताया कि वो मूव करते हैं। तो कुछ माइक्रोस्कोप में 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, कुछ में 4 और कुछ में 5 भी हो सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज को यूज करके हम एक क्लियर मैग्नीफाइंग इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की हासिल कर सकते हैं।